हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके सामने एक हेयर केयर प्रोडक्ट के बारे में और बताने वाली हूँ। जैसे कि मेरे लास्ट वीडियो में मैंने हेयर केयर प्रोडक्ट्स के सारे आइटम्स का छोटा छोटा एक इंट्रो दिया था, और अभी मैं डिटेल बताने वाली हूँ। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने शैम्पू का डिटेल बताया था, अभी मैं एश्योर हेयर ऑयल के बारे में बताने वाली हूँ, जो मैं लास्ट वन एंड हाफ मंथ से यानी कि डेढ़ महीने करीब से यूज कर रही हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, इसकी बॉटल ये 200 ml की है और फॉर नॉर्मल हेयर, और इसकी MRP है 195, और इसकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 140 rupees, यानी कि हमें ये 140 rupees में पड़ता है। सो सबसे पहली चीज़, ये बहुत नॉन स्टिकी है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, बहुत ही लाइट है बालों पे, और ये हमारे रूट से लेके यानी कि हमारी जड़ों से लेके बालों के एंड तक रिपेयर करता है अच्छे से, रूट से लेके, और हमारे बालों की जो भी रूखापन है, जो भी ड्राइनेस है, उसको ख़त्म करता है। और इसका जो स्पेशली जो इसकी नॉन स्टिकीनेस है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, जो इसकी नॉन स्टिकीनेस है वो डैंड्रफ नहीं होने देती, और आपको बहुत ज्यादा हैवी नहीं लगता कि आपने बहुत सारा तेल लगाया हुआ है या ऐसे, और वो सारी चीजें हैं इसमें, और डैंड्रफ को ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, और ये आपके बालों में इंस्टेंट शाइन लेके आता है। और काफ़ी सारी इसकी क्वालिटीज़ मैं बताने वाली हूँ। उससे पहले मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कोई भी चीज़ हम एक बारी या दो बारी यूज़ करेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगी, तो हमें रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा, और ये बहुत ही रीजनेबल रेट में है। तो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि कोई इसे नहीं ले पाएगा, और ये बहुत ही चीप रेट में है, तो ये और कम्प्लीटली वर्किंग है, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों मतलब काफ़ी चीज़ों से बनाया है, जिनमें से मैं कुछ आपको डिटेल देती हूँ। ये है, इसमें अर्निका और टी ट्री ऑयल है, ये हमारे हेयर की, हमारे बालों की बहुत अच्छे से देखभाल करता है। अर्निका की स्पेशलिटी ये है, ये हमारे बालों की ग्रोथ के लिए यानी कि हमारे बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए एक टॉनिक का काम करती है। जैसे एक मेडिसिन होती है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने मेडिसिन ली, वो ठीक हो गया, एग्जैक्टली ये भी हमारे बालों के लिए एक टॉनिक के जैसे है, और उनकी बहुत अच्छे से केयर करती है बालों की, और बालों का हेयर फॉल तो कम करती ही है, साथ में अच्छी शाइन लेके आता है। और आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको खुद पता लगेगा, या आपको इसके रिजल्ट्स खुद समझ में आएंगे। जब आप 10-12 दिन इसको यूज़ कर लेंगे तो आपको खुद ही समझ आएगा जब आप यूज़ करेंगे तो। और ये बालों को बहुत थिक बनाता है, थिक यानी कि आपके बालों को बहुत घना करता है। क्या होता है, जब हमारा हेयर फॉल होता है तो बाल टूटते टूटते जाते हैं, तो हमारे बाल ऑटोमेटिकली, जब बाल टूट जाएंगे और नए बाल नहीं आएंगे तो वो बाल बहुत पतले हो जाते हैं। सो एक चीज इसमें ये भी है, एंड सेकेंड इसमें इसका जो है वो है टी ट्री ऑयल। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, टी ट्री ऑयल हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आजकल आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है टी ट्री ऑयल की, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनमें टी ट्री ऑयल रहता है, आगे मैं उनके भी आपको रिव्यूज़ दूंगी। ये क्या करता है, हमारे जो स्कैल्प के यानी कि हमारे बालों के सिरे के जो जड़ों के जो पोर्स होते हैं उनको हटाने में मदद करता है, उनको ओपन करता है, और हमारे हमारे स्कैल्प को कूल रखता है, हमारे सर को ठंडा रखता है, और डैंड्रफ और इचीनेस को दूर करता है। क्योंकि हमारे हेयर में जब डैंड्रफ होगा तो ऑब्वियसली कि उसमें ड्राइनेस होगी, और फिर हमें इचिंग भी होती है, हमें बहुत इचिंग होती है, कि आप जब इचिंग करोगे तो वो डैंड्रफ बहुत सारी आपके हाथों में आएगी, तो
इसको आप यूज करेंगे तो आपकी वो एक प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो ये था टी ट्री ऑयल का काम, और अभी मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताने वाली। तो ये इसके बेनिफिट्स ये हैं, ये अर्निका और टी ट्री ऑयल के मिक्सचर से बना हुआ है। ये आपके बालों के जड़ों से लेके आपके बालों के सिरे तक, यानी कि रूट से लेके एंड तक काम करता है, और उनको अच्छे से रिपेयर करता है और नरिश करता है, और आपके बालों में शाइन लेके आता है। इसका जो नॉन स्टिकी मैंने आपको बताया है कि ये बहुत ही नॉन स्टिकी है, वो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है कि आपको बहुत ही ऐसे चिपचिपा सा लगे। आपके बाल बहुत लाइट रहते हैं, बहुत ही अच्छे से, और डैंड्रफ को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, बालों में शाइन लेके आता है, बालों को घना बनाता है, और हमारे स्कैल्प के सेल्स को वापस एक्टिव करता है। यानी कि जो हमारी बालों की जड़ें हैं, जो जिनके सेल्स मर चुके हैं, जो बिल्कुल ही मतलब वहां पर ग्रोथ हो ही नहीं रही है, तो ये उनको भी एक्टिव करता है, उनको भी वापस से हेयर ग्रोथ लाने में हेल्प करता है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बालों के झड़ने या ना झड़ने में। तो ये आपके बालों के ब्लड सर्कुलेशन को भी सही करता है, रूट्स को एक्टिव बनाता है, मैंने आपको पहले भी बताया, रूट्स यानी कि हमारे बालों की जड़ें, तो उनको भी एक्टिव करता है, जो जिनके सेल्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं उनको वापस एक्टिव करता है, और हेयर फॉल को रोकता है। अर्निका में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी डैंड्रफ फॉर्मूला है, और जो हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करता है, हमारे बालों में शाइन लेके आता है इसका। और ये जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये बहुत ज़्यादा लाइट है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपने ऑयलिंग किया है और आपने फिर नेक्स्ट डे जब आप शैम्पू करने जा रहे हैं तो आपने ऑयल किया है तो आपको बहुत सारा शैम्पू लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट है तो ये बहुत सारा शैम्पू नहीं लेगा। टी ट्री ऑयल वैसे हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है जैसे मैंने बताया, और हेयर फॉल रोकता है, और जिन लोगों के बाल टाइम से पहले सफ़ेद होने लगते हैं, आजकल ये बहुत ही कॉमन है कि आप 10th क्लास या 12th क्लास के बच्चे के बाल भी सफ़ेद हो देखें, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो ये हमारे बालों को असमय सफ़ेद होने से रोकता है, यानी कि टाइम से पहले जो लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनको भी कंट्रोल करता है, और ये हमारी स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है, हमारे पोर्स को ओपन करता है, पोर्स यानी कि जो हमारी रूट्स के अंदर होते हैं उनको भी ओपन करता है, और बालों की ड्राइनेस टोटली ख़त्म करता है, टोटली ये हमारे बालों की ड्राइनेस ख़त्म करता है। अब मैं बताती हूँ आपको इसको अपने सर पर लगाना कैसे है। तो उसके लिए सबसे सही है, आप एक बोल में या एक कटोरी में ऑयल लीजिए जितना आपके बालों के लिए ज़रूरी है, और या तो कॉटन से या अपने फिंगर टिप से, यानी कि आपके फिंगर टिप्स इनसे, तो कॉटन से या फिंगर टिप से डिप कर करके थोड़ी थोड़ी पार्टिंग करिए अपने बालों की, और अपने रूट्स में लगाइए। सबसे पहले पूरे बालों के रूट्स में लगाइए, मतलब अच्छे से, और उसके बाद आपके जब रूट्स में कंप्लीट हो जाए तो आप अपने बालों में पूरे में लेंथ में पूरे जो बाल हैं उनमें भी लगाइए, और फिर उसके बाद अच्छे से इसको अपने फिंगर टिप से ऐसे ऐसे करके उनको मसाज करिए जिससे कि वो अच्छे से रूट्स में ऑयल जा पाए। और इसे कम से कम आप अपने बालों में 30 मिनट्स के लिए छोड़िए, कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, अदरवाइज और बेस्ट बेनिफिट्स के लिए आप नाइट में लगाएं, और अगर आप पूरा दिन के लिए छोड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप नाइट में लगा के छोड़ दीजिए, और जैसे मैंने बताया ऐसे ही यूज़ करें, और जब आप रात भर छोड़ेंगे तो इसके रिजल्ट्स और भी अच्छे मिलेंगे, और ये आपके हेयर को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। जैसे मैंने बताया कि मैं इसे 1.5 महीने कुछ से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी हेयर फॉल का बहुत इशू था और मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, और बट अभी मुझे काफ़ी रिलैक्स है मेरे हेयर फॉल में, और सबसे बड़ी चीज़ इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये टोटली हर्बल है,
इसमें आपके स्कैल्प में कोई भी केमिकल नहीं जाएगा, ये बिल्कुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। इसे रेगुलर अगर आप यूज करेंगे तो इसके रिजल्ट आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब तक अभी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे ये कैसा लगा, जब तक आप खुद यूज नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा। तो इसके बेटर रिजल्ट के लिए आप इसे यूज करें। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और एक एक करके मैं जो भी हेयर प्रोडक्ट्स हैं उनका रिव्यू दूंगी, और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा, आपको ये नॉलेज कितनी हेल्पफुल रही कितनी नहीं रही वो सारा कुछ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।